हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, रेलवे में 62,000 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसके फॉर्म्स वगैरह भी आप लोगों ने फिल कर लिए होंगे। लास्ट डेट निकल चुकी है फॉर्म फिल की। तो आज से हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और रेलवे का जो ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसीज निकली है, उसको फोकस करते हुए आज के वीडियो में जनरल अवेयरनेस लेस जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट के 12 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो लेके हाजिर हुए हैं। तो ये जो सीरीज है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आप इसको जरूर देखिएगा। हमारी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट एज पर एरिया राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। नागार्जुन बांध किस नदी पे स्थित है, तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा, तो सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, रबर उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो रबर उत्पादन में केरल सबसे आगे है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमीशन का गठन हुआ था, तो ये कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, अपना जो कोस्टल जो अपनी बाउंड्री है उसकी लेंथ पूछी है तटीय भूमि की, तो ये 6,100 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये सबसे अधिक है केरल का। केरल का लिंगानुपात मेल फीमेल का सबसे अधिक है और ये पुराने टाइम से है, और ये ड्यू टू एजुकेशन है। केरल बहुत पहले से ही एजुकेशन में आगे है, इसीलिए इनमें अवेयरनेस भी पहले आई। वहाँ वैसे भी फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज्यादा है केरल में, तो वहाँ फीमेल का रेशियो शुरू से बेटर रहा। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है, तो ये स्पेन में पाया जाता है पारा। नेक्स्ट है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मिस्टर जेबी कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मिस्टर जेबी कृपलानी। समुद्र के पानी में किस तत्व की अधिकता अधिक होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कौन सा तत्व होता है, सोडियम। आपको पता है पानी खारा होता है, पानी खारा सोडियम की वजह से होता है, खारापन जो होता है वो सोडियम की, नमक में का भी जो मेजर पार्ट है वो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं। 38वीं लाइन किस देशों के बीच में है, किन देशों के बीच में 38वीं लाइन है, 38th लाइन किन देशों के बीच में है, तो यह है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया। तो ये आज के 12 सवाल थे आपके जनरल अवेयरनेस स्लैश जनरल नॉलेज से रिलेटेड। आई थिंक इस वीडियो सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आपको दूसरे वीडियोज मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर टूडे, फिर कोई दूसरा वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए सब आखिर।